फ्रेंड्स, मैं हूं तमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बस टेक। आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूं, कबूतर को रोटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते और उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सब मैं आज बताऊंगा। और रोटी को किस तरह देना चाहिए कबूतर को, वो भी बताऊंगा। ना फ्रेंड्स, जब भी आप रोटी पकाते हो या नाइट में डेली रोटी ही पकता है आपके घर में, तो उस रोटी को एक ले लो और जो भी रोटी बासी रोटी ही कबूतर खाता है, इसलिए एक दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। जब आज बना रही हैं तो दूसरे दिन के लिए रख लो वो रोटी। उसको धूप में रखना पड़ेगा, 6 to 7 hours धूप में रखना पड़ेगा, तभी आपके कबूतर खाएंगे। और कबूतर को रोटी 2 types से दे सकते हैं आप। एक है गीला पानी में डुबो के भीग के, जब आप कबूतर खोलते हैं उससे 15 minutes बिफोर आप पानी में उस रोटी को डुबो के उसके बाद दे सकते हैं। या जब आप कबूतर को खोलते हैं उसी वक्त आप सूखा रोटी मिलता है, सूखा रोटी होता है, उसी टाइम वो डाल सकते हैं। चलो मैं आज बता रहा हूँ किस तरह, 2 tricks भी बताऊँगा किस तरह करना है। देखो फ्रेंड्स, रोटी यहाँ इधर पे मार्क किया हूँ। हाँ, इस तरह आपको रोटी ये आज रात को पका रही तो दूसरे दिन धूप में रखना पड़ेगा 6 hours। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह रख लो। रखने के बाद उसके बाद रोटी इसको सूखने के बाद ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह हो जाएगा। अच्छा सूखना पड़ेगा उसको, 6 to 7 hours अच्छा धूप में सूखना पड़ेगा। सूखने के बाद इस तरह हो जाएगा। और एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वीट रोटी चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में बहुत ठंड लगेगा, सर्दी होएगी, कबूतर को फीवर आएगा, कोल्ड आएगा, सो आपको इस तरह की ये रोटी, ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो आपके कबूतर में कोई बीमारी नहीं आएगी, और तो आपका कबूतर भी थोड़ा गर्म रहेगा और आपके कबूतर फिट और फाइन रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊंगा। इस तरह ये रोटी ले लो सूखने के बाद। कुछ भी बड़ी काम नहीं है फ्रेंड, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इस पर। ये ले लो, उसके बाद इसको चूरना पड़ेगा, अच्छा बारीक सा पीस लो। देखना फ्रेंड, इस तरह ले लो और उसको अच्छा सा चूर लो। ये देखो फ्रेंड, इस तरह अच्छा बारीक सा पीस लो कि कबूतर देखना इस तरह पीसना पड़ेगा। चलो अभी कबूतर को रख के दिखा रहा हूँ ये किस तरह खाते हैं, देख लो। चलो फ्रेंड्स, अभी इसको नीचे थोड़ा डाल देता हूँ और देखना किस तरह खा रहे हैं। ये देखना किस तरह खा रहे हैं कबूतर। सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको सर्दी के मौसम में आपको सर्दी नहीं, बुखार, कोल्ड कुछ भी नहीं आएगा कबूतर को, आपके कबूतर 100% हेल्थी होंगे। और एक सेकेंड पॉइंट है, इसमें पानी मिला के मैं जो बोला था, जब आप कबूतर को छोड़ते हैं उससे बिफोर 15 minutes के पहले पानी में भिगा के उसके बाद कबूतर को रखते हैं, वो भी कबूतर हेल्थी से खाता है। बट जब वो खा के पानी पीते, जब रोटी खा के वो पानी पीता है, उसके बाद वो उसके पोट में जैसा आटा जैसा जाम हो जाता है और आपके कबूतर में दूसरी बीमारी आ सकती है। और उसमें वैसा नहीं होएगा तो, और उसमें सर्दी भी आने का बहुत चांसेस है। सो तुम ये सर्दी के मौसम में ये ज़रूर ये ट्रिक यूज़ करके देखना, आपके कबूतर में कोई भी प्रॉब्लम सब नहीं आएगी, आपके कबूतर हेल्थी से रहेंगे। और आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन भी दबा लेना। इस तरह की वीडियो मैं बहुत लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।